इस दुनिया में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मौजूद तो हैं लेकिन इसके की पीछे की वजह कोई नहीं जानता है। हालांकि हर चीज़ के पीछे अपनी एक वजह होती है, लेकिन कई बार ये वजह वैज्ञानिक भी होते हैं तो कई बार ये एक प्राकृतिक भी पूरी तरह से होती है। हम उनमें से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, कभी हम किसी तरह से जवाब पूछते हैं या किसी तरह से इंटरनेट पर सवाल खोजते रहते हैं, लेकिन उसका हमें सटीक जवाब नहीं मिल पाता है। दोस्तों, कुछ आज ऐसे ही है कि एक सवाल ऐसा आया जिसमें कहा गया कि एयरलाइंस माउंट एवरेस्ट या फिर प्रशांत महासागर को ऊपर से क्यों नहीं उड़ता है। आखिर वो क्या वजह है जो हमेशा इस रूट से बचकर ही चलने में भलाई समझ में आती है। दोस्तों, आज इसके बारे में थोड़ा जानकारी देने वाले हैं। लोगों तो जब पहली बार कोई वीडियो पाया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे, इसलिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हिमालय और प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ानें भरने में एयरक्राफ्ट इसलिए बचते हैं क्योंकि वे फ्लाइट के लिए सही स्थिति नहीं है। आमतौर पर फ्लाइट हवा में 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ती है ताकि मौसम के बदलाव या किसी और अप्रिय घटना से बचा जा सके। हिमालय में कभी सभी चोटियों की ऊंचाई आमतौर पर 20,000 फीट से ऊंची है। ऐसे में ये उड़ान भरने के लिए ठीक नहीं है। यहाँ हवा की गति भी असामान्य रहती है और ऑक्सीजन भी कम होता है। ऐसे में यात्रियों को काफ़ी दिक्कत हो सकती है और यहाँ मौसम तेज़ी से बदलता रहता है और कभी भी यहाँ आपात स्थिति पैदा हो सकती है। दोस्तों, इस वजह से ऐसी चीज़ें दुनिया में आज तक लोगों को समझ में नहीं आई हैं। इमरजेंसी की स्थिति में क्या होता है? प्रशांत महासागर में या फिर हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएँ यहाँ निगेशन रडार सर्विस ना के बराबर है। ऐसे में पायलट को ज़मीन से संपर्क साधने की दिक्कत हो सकती है। इतना ही नहीं, प्लेन ज़मीन के ऊपर उड़ती है ताकि किसी आपात परिस्थिति में उन्हें लैंडिंग मिल सके। पर्वत चोटियों या समुद्र के ऊपर उड़ने से उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग नहीं मिल पाएगी। ऐसे में उड़ानें घूमकर जाने की बेहतरी समझते हैं। अगर वो इस तरह की उड़ानें करेंगे, अगर उनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी तो ऐसी जगह पर लैंडिंग करना नामुमकिन है। इसका एक और मुख्य कारण पता चलता है। कहा जाता है कि कमर्शियल हवाई जहाज हिमालय के ऊपर से उड़ान नहीं भरते हैं। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वायुसेना के पहले इस क्षेत्र के प्रशिक्षण या आयोजित की जाती है। ये कमर्शियल एयरलाइन के ऊपर उड़ान भरने के लिए रोकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है यदि कमर्शियल हवाई जहाज हिमालय और प्रशांत महासागर को उड़ान भरते हैं तो उन्हें मौसम संबंधी समस्या से निकलना पड़ता है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी बहुत ही कम होती है। इसके अलावा हिमालय की चोटियों पर एयर टर्बुलेंस भी असामान्य है जो हवाई जहाज की गति को प्रभावित करता है। यहाँ तक कि ऑक्सीजन की कमी के कारण यात्रियों को काफ़ी फायदा नहीं होने वाला बल्कि बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना ही करना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ के लोग या यूं कहें हवाई जहाज प्रशांत महासागर और हिमालय पर्वत की चोटियों को ऊपर से गुजरना पसंद नहीं करते। ज़्यादातर इन क्षेत्रों में ऑक्सीजन की खत्म होने का भी खतरा है क्योंकि एयरलाइंस के पास आमतौर पर केवल 20 मिनट की आपातकालीन ऑक्सीजन होती है। इसलिए ऐसी स्थिति में जहां आपूर्ति समाप्त हो जाती है वहां ऑक्सीजन को फिर से भरने के लिए उड़ान को कम से कम 10,000 फीट नीचे उतरना पड़ता है जिसे ड्राफ्ट डाउन प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। लेकिन हिमालय में 10,000 फीट तक उतरना आत्महत्या के बराबर है। ऐसे में यहाँ पर लोग लैंडिंग करने से बाल बाल बचने की कोशिश करते हैं। और रही प्रशांत महासागर की बात तो वहाँ से बचना नामुमकिन ही है। इस वजह से प्रशांत महासागर और हिमालय की चोटियों को ऊपर से उड़ाने भरना ये जान जोखिम बराबर ही है। ऐसे में इस चीज़ से अवॉइड करना पायलट हमेशा बचते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी फैक्टफुल और काफ़ी अमेजिंग लगी होगी आपको। आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। अगली वीडियो के लिए तैयार रहें।